हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर विपक्षी खेमा लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सवाल प्रदर्शन पर भी हो रहा है और ईवीएम पर भी सवाल खुलकर पूछे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से चुप है और अब इसी चुप्पी पर भी सवाल उठने लगे हैं और ऐसा लगने लगा है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। हाल ही में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मरकड़वाड़ी के ग्रामीणों का समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया है। मतपत्रों का उपयोग करके एक नकली पुनर्मतदान का प्रयास किया। पवार ने उस गांव का दौरा किया जो पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम के विरोध का केंद्र बन गया है, जहां भाजपा की नेतृत्व वाली महायुति ने 288 में से 230 सीटें हासिल की। ईवीएम से मतदान पर शरद पवार ने केंद्र को निशाने पर भी लिया। उन्होंने कहा कि हमने ईवीएम के बारे में कुछ डेटा एकत्रित किया है, लोगों ने अपने वोट डाले लेकिन अंत में परिणाम अप्रत्याशित थे। आपने इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाई और प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत भी महसूस की। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के साथ जवाब दिया, जिन्होंने पवार से लोगों के जनादेश को शालीनता पूर्वक स्वीकार करने का आग्रह किया बजाय उन्हें गुमराह करने के। इस हफ्ते की शुरुआत में पुलिस ने मरकड़वाड़ी और आसपास के इलाकों के 200 से अधिक लोगों के खिलाफ मतपत्रों का उपयोग करके एक अनाधिकृत पुनर्मतदान करने के प्रयास के आरोप में मामला भी दर्ज किया। बता दें कि जयंत पाटिल सहित कई एनसीपी एसपी नेताओं के साथ पवार ने ग्रामीणों से मुलाकात की और एक सभा को संबोधित किया। पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ग्रामीणों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने पूरे देश के लिए सही दिशा दिखाई है। पवार ने ईवीएम की विश्वसनीयता के बारे में चिंता व्यक्त की और गांव की सभाओं पर पुलिस प्रतिबंधों पर सवाल उठाया। उन्होंने ग्रामीणों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, प्रधानमंत्री और प्रधान निर्वाचन आयोग के पास उनके द्वार उठाई जाने वाली शिकायतों को संकलित करने का भी आग्रह किया। आपको बता दें कि ये विवाद मलसीरास विधानसभा क्षेत्र से उत्पन्न हुआ, जहां एनसीपी एसपी के उत्तम जानकर ने भाजपा के राम सतपुले को 13,147 वोटों से हराया। जानकर की जीत के बावजूद मरकड़वाड़ी के ग्रामीणों ने वोटों की गणना में विसंगति का दावा किया और ईवीएम परिणामों पर सवाल उठाया। बता दें कि पवार ने जोर देकर कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता था। बता दें कि पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त वोटों और जीती गई सीटों के बीच आश्चर्यजनक तुलना पर प्रकाश भी डाला। कांग्रेस ने 80 लाख वोट प्राप्त किए और 16 सीटें जीती, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 79 लाख वोट हासिल किए और 57 सीटों पर विजय प्राप्त की। अजीत पवार की एनसीपी ने 58 लाख वोट प्राप्त किए और 41 सीटें जीती, जबकि एनसीपी एसपी ने 72 लाख वोट प्राप्त किए लेकिन केवल 10 सीटें ही जीती। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पवार के दावे का जवाब देते हुए उन्हें देश को गुमराह न करने का भी आग्रह किया। फडणवीस ने एक्स पर लिखा कि भाजपा ने महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में 1,49,13,914 वोट प्राप्त किए और 9 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 96,41,856 वोट प्राप्त किए और 13 सीटें जीती। शिवसेना यूबीटी को 73,77,674 वोट मिले और 7 सीटें जीती, जबकि एनसीपी एसपी को 58,51,166 वोट मिले और 8 निर्वाचन क्षेत्र जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 87,92,237 वोट प्राप्त किए और केवल 1 सीट जीती, जबकि अविभाजित एनसीपी ने 83,87,363 वोट प्राप्त किए और 4 सीटें जीती थी। वही महाराष्ट्र में ईवीएम का विरोध अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब इस विरोध का प्रतीक मरकड़वाड़ी गांव बन गया है। यही वजह है कि शरद पवार और उनकी पार्टी के नेता मरकड़वाड़ी गांव पहुंचे और ईवीएम विरोधी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान शरद पवार ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए मांग की कि पश्चिमी देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं तो भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड़ भी इस ईवीएम विरोधी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मरकड़वाड़ी गांव के लोगों से कुछ नहीं कह रहे हैं और ये पूरा कार्यक्रम गांव के लोगों ने आयोजित किया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको लोकतंत्र पर विश्वास है तो लोगों को क्यों रोका जा रहा है। अगर आम आदमी अपने पैसों से कुछ करना चाहता है तो फिर उसमें हस्तक्षेप करने और उन्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है, आप इतना डरे हुए क्यों हो। दरअसल महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की मालसीरास विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले गांव मरकड़वाड़ी के लोगों ने ईवीएम पर शंका जाहिर की थी और बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराए
जाने की मांग की थी। ग्रामीणों ने 3 दिसंबर को पुनर्मतदान की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद ग्रामीणों ने अपना फैसला टाल दिया था। गांव वालों का दावा है कि मौलसीराज सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विजेता उम्मीदवार उत्तम जानकार को मरकाड़वाड़ी गांव से अपने प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार राम सतपुले के मुकाबले 80% से अधिक वोट मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि ईवीएम के मतदान के अनुसार जानकर को 1003 वोट मिले, जबकि सतपुले को उनसे कुछ ही कम यानी कि 843 मत मिले। उन्होंने दावा किया कि सतपुले को उनके गाँव से 100 से 150 से अधिक वोट नहीं मिले होंगे। वही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के भी पति रावर्ड वाड्रा ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि ईवीएम से लोगों का भरोसा उठ गया है और उसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे हैं। बताना होगा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि पार्टी को हर हाल में जीत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने वहां लगातार 3री बार सरकार बना ली। इस तरह महाराष्ट्र में भी चुनाव नतीजे पूरी तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ रहे और यहां पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की। रावर्ड वाड्रा ने कहा कि समय समय पर ईवीएम में गड़बड़ी की बातें सामने आती रही हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि चुनाव आयोग को ये जानकारी दे दी गई कि ईवीएम जिनमें 66% बैटरी बाकी थी उनसे जो चुनाव नतीजे आए वो ठीक थे, जबकि ईवीएम जो 99% चार्ज थी उनके चुनाव नतीजों को लेकर गड़बड़ी का शक पैदा हुआ है। वाड्रा ने आगे कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि जहां भी आगे चुनाव होंगे वहां पर बैलेट पेपर या कोई और तरीका ढूंढना होगा। उन्होंने यहां तक कहा कि हरियाणा के चुनाव नतीजों को लेकर लोग हैरान थे। वाड्रा ने कहा कि विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है और देश को इसकी जरूरत है। अगर ये गठबंधन मजबूत बना रहता है तो वो बीजेपी को हर राज्य में हरा सकता है। वहीं हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में मिली हार की वजह से इंडिया गठबंधन में हताशा का माहौल साफ नजर आ रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे जनता का फैसला नहीं है और ये ईवीएम का फैसला है। उन्होंने आगे कहा कि MVA गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल इस चुनाव नतीजे को स्वीकार नहीं करते। सपा विधायक अबू आजमी ने कहा कि ईवीएम को हट जाना चाहिए। अगर लोगों को शक है कि ईवीएम से हैकिंग होती है, किसी को जिताया या हराया जा सकता है, तो एक बार जनता की मांग पर ईवीएम को हटा देना चाहिए। इस बीच कांग्रेस विधायक विजय ने कहा कि नतीजों ने सवाल पैदा किया है, ऐसा लगता है कि पूरी प्रक्रिया भ्रष्ट है, जनता नाखुश है और कुछ गलत हुआ है। फिलहाल विपक्षी खेमे के अनुसार सच्चाई ये है कि ईवीएम की वजह से ही बीजेपी सरकार बना पा रही है, वरना जनता ने बीजेपी को हटाने के लिए मताधिकार का प्रयोग किया था। वैसे जब से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए हैं तब से ईवीएम पर बवाल लगातार मचा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईवीएम पर विपक्षी दलों का अगला रुख क्या होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।